बोर्ड परीक्षा आते ही छात्रों में एक मानसिक तनाव होने लगता है, इतना कि उनकी सेहत पर असर पड़ता है और गलती से परीक्षा खराब हो जाती है तो बच्चे का भविष्य भी खराब हो जाता है। इसी कड़ी में केंद्र सरकार ने बड़ा फैसला लिया है, जिसके मुताबिक अगले साल यानी 2025 से 10वीं और 12वीं की परीक्षा साल में दो बार होगी। शिक्षा मंत्रालय से अगले शैक्षणिक सत्र 2025-2026 से 10वीं और 12वीं की परीक्षा को साल में दो बार कराए जाने की मंजूरी दे दी गई है। इस नए फैसले के मुताबिक अब पहली परीक्षा अप्रैल और दूसरी परीक्षा फरवरी में आयोजित की जाएगी। शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने इस बारे में जानकारी देते हुए कहा कि बोर्ड के एग्जाम साल में दो बार यानी कि जेईई की तर्ज पर कराने को लेकर सहमति बनी है। उन्होंने कहा कि सरकार चाहती है कि इस नियम को बेहतर तरीके से अमल में लाया जाए, इसलिए सीबीएसई और अन्य बोर्ड के साथ सरकार इसको लेकर चर्चा कर रही है।